Hi friends, I hope you would had a nice day today. Welcome to Engineering Automation Channel. पहले वीडियो में हम बात कर रहे थे माइल्ड हाइब्रिड व्हीकल सिस्टम के बारे में, जो कि फ्यूल रिड्यूस करने में मदद कर रहा था. आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल कार के बारे में, जो कि पूरी तरह इलेक्ट्रिसिटी में ही चलता है, ना कि पेट्रोल और डीजल का जरूरत भी होता है. उसका एफिशिएंसी भी बहुत अच्छा होता है कंपेयर करके पेट्रोल और डीजल का कार में, एंड इसको हम यूज़ करेंगे पॉल्यूशन को रोकने के लिए. चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का फीचर के बारे में. बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है BEVs, ये जो है अपना अंदर इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करती है बैटरी बैकअप का रूप में, और मदद करती है व्हील को रोटेट करने में. जब बैटरी से चार्ज खत्म हो जाती है तो उसको रिचार्ज करना पड़ता है बाय यूजिंग रिजिड इलेक्ट्रिसिटी. मीन्स इट वॉज डिजाइंड स्पेसिफिकली टू प्रोटेक्ट इंसुलेटेड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड केबल्स आइदर फ्रॉम ए वॉल सॉकेट और ए डेडिकेटेड चार्जिंग यूनिट. आपको पता होगा ये गाड़ी पूरी तरह इलेक्ट्रिसिटी में ही चलता है, ना कि पेट्रोल और डीजल का जरूरत होता है. बैटरी इलेक्ट्रिक कार्स एंड ट्रक्स आर कंसिडर्ड ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. जब बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल रोड में चलती है उसमें कुछ भी टेल पाइप पॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं होता है, एंड इसमें साइलेंसर पाइप का भी जरूरत नहीं होता है. हाउएवर इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है गाड़ी को चलाने के लिए, वो प्रोड्यूस करेगा हीट ट्रैपिंग गैसेस एंड अदर पॉल्यूशन आर द सोर्स ऑफ इट्स जेनरेशन और इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल. इसमें क्रिएट होने वाला पूरा पॉल्यूशन डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जेनरेट हुआ था. पहले अमेरिका में बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाने के लिए यूज होने वाला इलेक्ट्रिसिटी सबसे खराब और 4-5 बार यूज होगा कोयला से ले रहे थे, जो कि पेट्रोल और डीजल से कम पॉल्यूशन क्रिएट करेगा. अभी हम BEVs को चलाने के लिए रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस यूज करते हैं, जैसे एयर और सोलर एनर्जी, जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होगा. डीजल आर वर्चुअल एमिशन फ्री. अभी हम यूज करने वाला इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल पेट्रोल और डीजल से बहुत सस्ता होगा. चलिए अभी बात करते हैं BEVs और बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल फंक्शन का बारे में एंड उसका मेन कंपोनेंट का बारे में. इन इलेक्ट्रिक व्हीकल में 3 मेन कंपोनेंट यूज हो रहा है, जो कि बैटरी, कंट्रोलर एंड मोटर. इस व्हीकल का बेस में बैटरी होता है, जो कि बहुत ही कॉस्टली होता है. इससे यूज होने वाला लीड एसिड बैटरी गाड़ी का वेट बढ़ा देता है, जो कि 1000 पाउंड से भी ज़्यादा है, एंड इस व्हीकल में 50 नंबर से भी ज़्यादा बैटरी यूज होता है. इसीलिए उससे गाड़ी का बेस में ही बिछा दिया जाता है पूरा प्लेट का तरह, जो कि गाड़ियों का स्पेस बढ़ा देता है आज कंपेयर पेट्रोल और डीजल कार्स. उसको छोड़ के 12 वोल्ट का एक बैटरी यूज होता है बोर्ड में, जो कि पावर प्रोवाइड करेगा छोटा छोटा चीज को, वाइपर्स, रेडियो, एयर कंडीशनर एंड अदर्स. अब हमको जरूरत है 300 वोल्ट डीसी करंट, जो कि एसी मोटर को चलाएगा. इस रेटिंग को कन्वर्टर की मदद से 240 वोल्ट एसी करंट कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसको मोटर का पास पहुंचा जाता है. ये ट्रांजिस्टर की मदद से जाती है, जो कि डीसी सिग्नल को साइन वेव में बहुत फास्ट कन्वर्ट करता है. जब हम ऑसिलेटर को फुली प्रेस करती है तो कंट्रोलर डिलीवर्स 96 वोल्ट टू द मोटर, और जब हम ऑसिलेटर पूरा छोड़ देते हैं तो कंट्रोलर डिलीवर्स 0 वोल्ट. यहाँ से कंट्रोलर स्टैंड्स एज ए बायर ऑफ पावर फ्रॉम द बैटरी एंड गिव्स अप पावर टू द मोटर. इसलिए गियर का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि जब ऑसिलेटर दबाते हो मोटर ऑन हो जाता है ऑटोमेटिक, और जब छोड़ते हो मोटर ऑफ हो जाता है. इसीलिए उसका बड़ा प्लस पॉइंट है गियर बॉक्स का जरूरत नहीं है, और गियर ऑयल का भी जरूरत नहीं होता है. उसका बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, अगर एक सिंगल पोटेंशियोमीटर खराब हो जाता है तो पूरा कार का फंक्शन स्टॉप हो जाता है. चलिए अभी बात करेंगे BEVs और बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्या क्या प्रॉफिट है और क्या क्या इश्यूज भी है. इन बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज हो रहा है बैटरी, जो
पावर सप्लाई देता है। ये बैटरी पैकअप बहुत हैवी वेट का है। ये बैटरी बना हुआ है लिथियम आयन बैटरी से, जो कि हम डेली बेसिस में इस्तेमाल करते हैं। बैटरी पैकअप का हैवी वेट कारण कर्नरिंग में एक डिफ़िकल्ट होता है, एंड ये बैटरी पैकअप बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है कंपेयर करके डीजल और पेट्रोल कार से। हालांकि इसीलिए इलेक्ट्रिक कार में कोरिंग सिस्टम भी अलग से है। आज कंपेयर टू पेट्रोल और डीजल, लिथियम आयन बैटरी का एनर्जी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा कम है। अभी हम बात करेंगे रिफ्यूलिंग और रिचार्जिंग। एक नॉर्मली एक पेट्रोल और डीजल कार का रिफ्यूलिंग करने में हमको कितना टाइम लगता है? 5 मिनट और उससे भी कम। लेकिन हम जब जा रहे हैं एक इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने के लिए, उसको लगता है 1 घंटा से ज़्यादा, और 1 घंटा मिनिमम 1 घंटा। कॉस्ट और प्राइस का साइड में देखा जाए तो इलेक्ट्रिक कार बहुत कॉस्टली है कंपेयर करके पेट्रोल और डीजल कार। ये सब बात सुनने में आपका मन में एक बैड इमेज क्रिएट होगा जो इलेक्ट्रिक कार बारे में, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि एक पेट्रोल और डीजल कार को स्टार्ट करने में स्टार्टर मोटर का ज़रूरत होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक कार को लिए कोई स्टार्टर मोटर का ज़रूरत नहीं होता है। और भी एक बात, इलेक्ट्रिक कार में इंडक्शन मोटर होता है, वो वाइड स्पीड रेंज में एफिशिएंटली काम कर सकता है। ऐसा कुछ पेट्रोल और डीजल के इंजन में कार में नहीं है। इलेक्ट्रिक कार ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन एक आईसी इंजन ही स्टार्टिंग टाइम में इतना टॉर्क प्रोड्यूस करने में दिक्कत होगा। इलेक्ट्रिक कार इंस्टेंटेनियसली एंड सडनली टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है, इसीलिए टेल्सा का रोडस्टार 0 to 60 miles per hour एट 1.9 सेकेंड में हीट करने का रिकॉर्ड बनाया। अभी जैसे मैक्सिमम कंपनी फ्रॉम टेल्सा टू महिंद्रा एंड अदर लाइक कंपनी लाइक रेनॉल्ट निसन, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड स्टार्टेड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक कार, क्योंकि फ्यूचर में पॉल्यूशन को कैसे कम कर सकता है। तो दोस्तों ये था पूरा जानकारी अबाउट इलेक्ट्रिक कार्स। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। बेल आइकन को दबाना भूलो मत, ताकि मैं ऐसा न्यू टेक्नोलॉजी आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू। जय हिंद।